हेलो सर, एक्चुअली मेरे गाड़ी का लाइट नहीं काम कर रहा सर। एक्चुअली मेरा आज टेक्नीशियन नहीं है। और रॉयल इनफील्ड वालों, आप तो बोलते हो हर जगह हर कोने में आपकी सर्विस सेंटर, लेकिन सर्विस सेंटर तो है, वहाँ आपकी सर्विसिंग करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। हेलो गाइस, नमस्ते जी, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हो मेरे साथ रोड एंड व्हील्स। तो ये एक और सफर का शुरुआत आज के दिन के लिए, देखते हैं आज कितना किलोमीटर तक हम आज जा सकते हैं। और ये था हमारा कल का आसियाना, और कल रात भर जितना भी बारिश हुआ ना भाई, और जो थंडर स्टॉर्म आया, मज़ा आ गया पूरा का पूरा। तो अभी एक पेट्रोल पंप के जस्ट साइड में हम लोगों ने कैंपिंग किया था। तो सुबह सुबह पेट्रोल पंप के साथ कैंप करने का एक और फ़ायदा क्या होता है ना, कि सुबह सुबह जो हल्का होने का सीन होता है ना, वो ईजी हो जाता है। तो इसी के साथ आगे निकलते हैं, मोटरसाइकिल पर मिलते हैं आपसे। So guys, we are all set to leave now। और थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी के साथ बारिश भी चालू हो चुकी है, और इस मौसम में अगर चाय का आनंद लेके आगे बढ़ा जाए ना, तो मज़ा भी आ जाएगा। तो आई होप कि अगर चाय मिलता हो, आई थिंक यहाँ पे चाय मिलता है, मिल जाएगा आई थिंक। चाय मिलेगा? तो गाइस, रोटवा के इस जगह से हम अब निकलने को तैयार, और चाय वाय भी हो गया और अपना हो गया नाश्ता, क्योंकि अभी आगे हम लोगों का लगभग 100-150 किलोमीटर तक रुकने का कोई प्लान नहीं है। तो देखते हैं जितना हो सके उतना खींचेंगे। खाना पीना सब ओवर हुआ, तगड़ा ना लोकल जो देसी वाला चिकन होता ना, वो चिकन था, चावल था, और था उसके साथ में भुजा उजा, जिस पर हम लोग नज़र भी नहीं डाले। और अब हम यहाँ से निकलने को तैयार एक एक कप चाय के बाद, और हिट करते रोड को, और फिर देखते हैं फिर से 150-200 किलोमीटर का स्ट्रेच खींचेंगे। तो गाइस, काफ़ी सारा डाइवर्जन को, काफ़ी सारा ट्रैफिक को, और एक दो जगह रिक्वेस्ट जो कि शायद चंदा मांग रहे थे, उन सबको देखने के बाद फिर से वापस बैक टू हाईवे। एंड अच्छी खासी स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। देखो आज जहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके, तो एग्जैक्ट 100 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो उसका ब्रेक भी देना पड़ेगा, क्योंकि देख लो रेड वाली कांटा जो है ना, फ्यूल वाला जो कांटा है ना, वो पूरा रेड में चला गया है। तो देखते हैं अभी कहीं आप निकल के फ्यूल लेते हैं, और वहाँ पे फ्यूल। सो गाइस, इस ट्रिप का ये मेरा 10वां फ्यूल टैंक है। इसमें आया कितना लीटर तेल आया? 10.5, मतलब 10.5 लीटर का तेल 950 रुपए का। देखो ये जो रास्ता है वो जाता है पुंतोलिंग भूटान की ओर। कभी ना कभी हम इस रास्ते से जरूर जाएंगे भूटान। लेकिन ये चैनल पे आप बने रहो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो हमारे ट्रैवल वाले सीरीज है वो आप इंजॉय कर सको। फिलहाल का सीन तो ये है कि अभी हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम ढूंढ रहे हैं,
बाइकें हमारी फिर से सारी की सारी ऑफ हो चुकी है, मतलब चल नहीं रही। दिक्कत यह है कि अभी तो लाइट है तो सही है, लेकिन लाइट खत्म तो भाई दिक्कत शुरू। हेलो सर, एक्चुअली मेरे गाड़ी का लाइट नहीं काम कर रहा सर। एक्चुअली मेरा आज टेक्नीशियन नहीं है, वो गया था कल कुछ भी हाल उसका फोटिंग हुई पे, तो आज आ नहीं पाए। तो आप पास कोई है सर? वर्कशॉप तो सर मेरे यहाँ छोड़ के डायरेक्ट आसाम। वर्कशॉप में जहाँ पे आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ, क्योंकि अब तो अंधेरा होने वाला, बिना लाइट के आगे हम जा नहीं सकते। तो भाई बीरपारा में रुके हुए हैं, इधर बनवा रहे हैं अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल की हेडलाइट। और रॉयल इनफील्ड वालों, आप तो बोलते हो हर जगह हर कोने में आपकी सर्विस सेंटर, लेकिन सर्विस सेंटर तो है, वहाँ आपकी सर्विसिंग करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। तो ऐसा तो हाल है, लेकिन कोई नहीं, जहाँ पे हम आए हुए थे वहाँ पे बगल में ही भैया मिल गए। तो देखो, और आप बोलोगे कि फिर बाहर में गाड़ी हम लोग बनवाए तो फिर हो गई हमारी वारंटी अवॉइड, लेकिन आपके सर्विस सेंटर में जब कोई है नहीं, राइड पे बंदा फंसे तो करे क्या। तो अच्छा, तो ये होल्डर शॉर्ट कर गया, इसी की वजह से बार बार शॉर्ट कर रहा है। तो भाई साहब पूरा पूरी एक घंटा बर्बाद। और उबर देखो, तो इस ये रॉयल इनफील्ड दुर्गा है बारीपरा में, इनके पास टेक्नीशियन ही नहीं है बता। तो गाइस यहाँ पे हमें लाइट बनाने में लग गया है एक घंटा, और एक घंटा और 200 रुपये इसमें हमें खर्च करने पड़े, लेकिन कोई नहीं, लाइट बन गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और देखो जहाँ से लास्ट ब्रेक लिया था हमारे 100 किलोमीटर, मतलब हमारा टारगेट है कि 100 किलोमीटर पे रुके, उससे कम में ना रुके, तो वो टारगेट भी हमने कम्प्लीट किया। और उसके बाद एक और चीज़ है, और साथ ही साथ इसके बाद ट्रांजिशन ब्रेक भी ले लिया, अब आगे नींद नहीं आएगी। भाई साहब सब रेडी है क्या? चलो जी, तो जी यहाँ पे किया हमने छुटका मुटका सा नाश्ता, और अब यहाँ से निकलने को तैयार। और हमने डाल लिया नाइट ग्लासेस भी, क्योंकि यार कीड़े मकोड़े उड़ रहे थे, और जब ये वाइजर ऑफ कर रहा हूँ तो गर्मी लगने लग रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्ते जी, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हो मेरे साथ रोड एंड व्हील्स। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले कल की थोड़ी सी कहानी यह है कि हमें रुकना था यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर आगे, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। इस ढाबे में हमने किया था डिनर, और डिनर करने के बाद भाई साहब जो हमने आगे गाड़ी चलाने की कुछ हिम्मत ही नहीं बची। सो हमने डिसाइड किया यार एक रात ट्रक वाली लाइफ जीते हैं, ट्रक ड्राइवर्स वाली लाइफ जीते, हम ढाबे में ही रुक गए। और अभी देखो सुबह सुबह उठे, हाथों में चाय, और आगे रास्ता है मेरे भाई, और इसी से निकलते हैं। वो क्या खूबसूरत सा सनराइज हो रहा है इधर से, ओ भैया जी एक नंबर सनराइज, चाय और हाईवे।
फुल कर लीजिए। तो इधर अभी नौ भाई और शांतनु भाई को बाय बाय बोलने का समय आ गया। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हिट करते हैं रोड को। और देखो अभी इन लोगों तो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, अभी हमारा यहाँ से 374 किलोमीटर और बाकी है। तो मिलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते। ये पूर्णिया है और यहाँ से अभी 9:15 हुआ है, देखते हैं कितना देर में हम पहुँचते हैं अपने घर पर। ओके बाय बाय, अच्छे से जाना। तो इधर अभिनव और शांतनु भाई चला गया और इधर वापस बाय। तो अब निकलने की बारी हमारी। भैया जी गर्मी बढ़ गई है और यहाँ पे मिल रहा है गन्ने का जूस, तो क्यों ना यहाँ पर रुक के गन्ने का जूस एंजॉय किया जाए। तो भाई साहब ये अपना डुअल पेट्रोल फिलअप है पूरी ट्रिप को रात्रि की। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद 270 किलोमीटर के बाद ये फ्यूल अप लीक किया गया। भाई रुकने का तो मन नहीं कर रहा, गर्मी इतना है लग रहा है बस जल्दी से पहुँच ही जाऊँ। आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा हो तो बस दिखलाने का बस दो ही तरीका है, पहला लाइक करके जाओ और दूसरा कुछ भी एक छोटा सा कमेंट इमोजी टाइप कर दो, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और बस इसी तरह प्यार बनाए रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।